शहद तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी। आज हम खाएंगे सबसे बड़े छत्ते का शहद। नाश्ते में शहद, खाने में शहद, सुबह शाम शहद। बलू, भला भालू, तुमसे कब से मिलने की उम्मीद थी? और तुम्हारा नाम क्या है मैडम जी? बेला। मुझसे मिलने आए हो तबाकी? हाँ, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार हड्डी चेक कर लूं कि ये खाने लायक है कि नहीं। शेर खान, आज के दिन मैं उस इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना के रहूंगा। ओह, ऐसा क्या? फिर तो मजा आएगा। अफसोस तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ दूसरा साथी जाएगा जिस पर मुझे भरोसा है। पर शेर खान, मैं भी तो भरोसे लायक हूँ। खबरदार तबाकी, अगर मेरे उस खाने को सूंघने की भी जुर्रत की तो। हमारे बलू जी को क्या हो गया? लगता है बलू की भैंस गई पाई है। तो तुम मुझे अपना जंगल घुमाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर घुमाऊंगा। पर हम तो शहद लेने जाने वाले थे ना। वहाँ बाद में जाएंगे मोगली। मोगली? ओह, ये है तुम्हारा नन्हा दोस्त, इंसानी बच्चा। ओह, कितना प्यारा दुलारा है। चलो जाओ, कहीं जाकर खेलो। मैं और बल्लू अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। ये क्या बात हुई बघीरा? मोगली, ये एक आम बात है, एक भालू अब भालू के पीछे ही जाएगा ना। और मेरा क्या? हाँ, और बलू का, और वो शहद का। अरे बलू, रुको मोगली, बलू को ये वक्त अकेले में बिताने दो, वरना और ये है शिव का मंदिर, ये इंसानों ने बनाया है, पर मुझे इसकी कारीगरी बहुत अच्छी लगती है। पर तुमसे ज्यादा कमाल की नहीं है। चलो बलू, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? हाँ। आंखें तो बंद करो, खोलना मत। बलू, हटो वहाँ से। मोगली, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने इतनी महान कलाकारी का क्या किया? क्या? ये मैंने किया? झूठी, तुमने किया ये? इसे माफ कर दो, ये अभी बच्चा है और बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। चलो मोगली, अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। पर बलू, मुझे शुरू से ही लगा था ये बेला कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। वो इसी तरफ आए थे। ओ बलू, तुम्हें पता क्यों नहीं चलता कि वो एक बाले बूबू? आज का दिन तो कितना सुहाना है। सुहाने से भी सुहाना है। मीठे आम, मुझे आम बहुत पसंद है। अगर मैडम जी को आम पसंद है तो ये बंदा जरूर लाएगा आम। वो आगे वाला, वो सबसे टेस्टी लग रहा है। वो वाला? मोगली, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है मोगली। अरे नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा पीला हो गया है, पीले फूलों की वजह से। हाँ,
बलू बात समझो ना, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए, पर बेला एक... वो एक बहुत ही खूबसूरत भालू है जिसमें बहुत तमीज है, पर तुम्हें तमीज सिखाने की जरूरत है। अब मैं फिर कहता हूँ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। मोगली और बलू भी इसी तरफ गया है। वो शैतान का नाना इंसानी बच्चा नहीं होता तो बल्लू का काम खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रही हो। बल्लू का सफाया होते ही मैं इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना लूंगा। उसे फूलों के बाग में ले आओ, वहीं निपटेंगे उससे। शेर खान, और वादे के मुताबिक जंगल का ये हिस्सा मेरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये शेर खान का वादा है। हाँ? शुक्र है मोगली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बलू की करो। बलू खतरे में है, वो बेला है ना, शेर खान से मिली हुई है। ओह सच में? अरे हाँ, मैंने उन्हें एक साथ देखा था। मेरा यकीन करो बघीरा। बोलते रहो। उसने बेला से कहा बलू को फूलों के बाग ले जाओ, वो उसे वहीं निपटेंगे। और फिलहाल बलू कहाँ गया है? पहाड़ी के ऊपर। चलो हमें उसकी आँखें खोलनी होंगी। चला गया। बोलो अब हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके हमें फूलों के बाग पहुंचना होगा बघीरा। पर पहले तुम्हारा थोड़ा मेकअप हो जाए। हाँ? फूलों की खुशबू से महकोगी तुम, जिंदगी बिताएंगे मिलकर तुम हम, और फिर हम दोनों। अब इससे ज्यादा गाना मैं नहीं बना सकता, पर तुम्हारे लिए गुलदस्ता बना सकता हूँ। बाली बुबू, उप्स, मेरे हाथ से अंदर फिसल गया। फिसल गया तो क्या हुआ, बलू है ना, अभी निकाल देता हूँ। बेला, शेखा, और क्या बोलो, बलू का काम तमाम किया? देखो फंसा दिया है, क्यों ना तुम्हें इसका काम तमाम कर दो। मोगली बिल्कुल सही कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। चलो शुक्र है तुम्हें अब कुछ समझ में तो आया। तो बलू का खेल खत्म हो गया ना? ओ शेखा, पर मुझे लगा तुम वहाँ। तो वहाँ कौन था? इंसानी बच्चे, मुझे लगा ही था अगर तुम्हारे दोस्त बलू को शिकार बनाया जाए तो तुम तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और देखो ना जितना आसान सोचा था ये उससे कहीं आसान है। कब तक अपने दोस्तों के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? ओ ये शेर खान कहां से आ गया दोस्तों? बस अब और एक्टिंग मत करो, मैं एक सीधा साधा भालू हूँ इसलिए तुम्हारी असलियत पहचान नहीं पाया, पर अब बेवकूफ नहीं बनूंगा, इसलिए इसी वक्त चली जाओ। आज के बाद मेरे इलाके में नजर मत आना। लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या? आजकल के भालुओं को तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पहले खुद को देखो फिर कहो मैडम। तबाकी, ओ प्यारे तबाकी, खाना अच्छा तो लगाना। अरे हाँ शेर खान, मेरा मतलब है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो सूंघा तक नहीं। बच्चा, मैंने इससे अच्छा शायद कभी नहीं खाया। मोगली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, माफ कर दो दोस्त। यूहू! फिर
से आ गई। आह बलू, तो यहाँ हो तुम। पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर खोजी है, बहुत सुंदर है, पास ही दिखी थी। तुम कहो तो एक मुलाकात करवा दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले उससे मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि उससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।